और भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं, और इन बेहतर रिश्तों के बीच जहां गुज़श्ता दिनों सरहदें हमने खामोश देखी, उसके बाद बयानात भी काफी मस्बत देखे, वहीं पर तकरीबन दो साल के वक्फे के बाद इंडस वाटर ट्रीटी का इजलास भी मुनक्किद होने जा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी कमीशन का इजलास 23 और 24 मार्च को होने जा रहा है। इससे पहले अगस्त 29 और 30 को साल 2018 में लाहौर पाकिस्तान के अंदर भारत और पाकिस्तान के इंडस कमीशन का इजलास मुनक्किद हुआ था, लेकिन उसके बाद साल 2019 और 20 इसी तरीके से सूखे गुजर गए। एतराजात एक दूसरे के प्रोजेक्टों पर उठाए जाते रहे, लेकिन अब 2 वर्षों की इस मुद्दत के बाद इंडस वाटर ट्रीटी कमीशन एक बार फिर मुलाकात करने जा रहा और 23 और 24 मार्च को दिल्ली के अंदर कमीशन का इजलास मुनक्किद होगा। वहीं भारत की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर, खासतौर से जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक जो प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए, पावर प्रोजेक्ट्स हैं अरबों रुपए के जिनको अब मंसूबा बनाया गया, उन सब पर पाकिस्तान की तरफ से एतराज भी किया जा सकता है, इस तरह की खबर सामने आ रही है। मगर 2 साल के बाद या जम्मू कश्मीर की जो खसूसी हैसियत, ढाई साल का वक्त है, तकरीबन ढाई साल का वक्त देखेंगे तो ढाई साल का वक्त है बिल्कुल। और 370 के खात्मे के बाद यह पहला इजलास होगा जिसका, जो कि 23 और 24 मार्च को दिल्ली के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है। पहले तो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में अभी भी यह है कि क्या ये वर्चुअली होनी है या 1-to-1 होना, लेकिन जैसे भी होगी ये कॉन्फ्रेंस होगी, ये भी बात क्लियर कर दी गई है। प्रदीप कुमार सक्सेना जो कमिश्नर है इंडस के, उनकी सरबराही में ये डेलीगेशन जो है वो मिले जाएगा, बात करेगा, और परमानेंट इंडस कमीशन जो है वो 23 और 24 तारीख को नई दिल्ली के अंदर जो है ये मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएगा। ये वर्ल्ड कमिटमेंट है, ये जो कमिटमेंट हम बहुत पुरानी कमिटमेंट है कि जैसे भी हालात हो लेकिन ये कमीशन जो है ये मिलता रहेगा साल में एक बार, और उसी को देखते हुए ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है जो ये साइन हुई थी सन 1960 के अंदर, उसी के तनाजुर में ये इजलास जो है वो होता है। पानी की तकसीमकारी का मामला हुआ था, दरिया यहां पर आते रहे, पानी वहां का रहा गया, और जम्मू कश्मीर को इस पूरी ट्रीटी में मिला क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा, जरूरत उस पर भी बात करने की है। लेकिन फिलहाल ये कि 67 की ट्रीटी को आगे बढ़ाते हुए भारत और पाकिस्तान तकरीबन 2.5 साल के वक्फे के बाद दोबारा मिल रहे हैं, और पाकिस्तानी वक्फ की क्यादत सईद मोहम्मद मेहर अली शाह जो पाकिस्तान के कमिश्नर फॉर इंडस वाटर है वो वहां से आएंगे, और लगातार उनकी तरफ से बात सामने रखी जाएगी। जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं चिनाब वादी पर, जिनको गुज़श्ता दिनों मरकजी काबीना ने भी हरी झंडी दी है, उस पर एतराज होगा ये बात तय है। और पाकिस्तानी ज़राए अब्लाग के हिसाब से पहले ही यह साफ कर दिया गया कि कई अहम मामलात हैं जिन पर बात रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बात बनी नहीं तो आलमी बैंक की सालसी के लिए भी पाकिस्तान जा सकता है। तो यह बात तो हमने बता दी। इंडस वाटर कमीशन के हवाले से इजलास होने जा रहा है, 370/35 के इख्तिताम के बाद यह पहला इजलास होगा, और तकरीबन 2.5 साल का वक्फा बीच में गया है जिस दौरान दोनों कमीशनों के सरबराहों के बीच मीटिंग नहीं हुई है, और अब 23-24 की तारीख को मुकर्रर कर दिया गया है दिल्ली के अंदर यह इजलास होने जा रहा है। इससे पहले अटारी बॉर्डर का पॉइंट भी रखा गया था जिसको नामंजूर।